26/11 मुंबई हमलों पर बन रही हॉलीवुड फिल्म में दिखेंगे अनुपम खेर, इस दिन होगी रिलीज। भारतीय इतिहास में 26/11 की तारीख को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। 2008 में लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल समेत 7 जगहों पर आतंकी हमला किया था। इस हमले के दौरान सारा देश सदमे में आ गया था। आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना और पुलिस का ऑपरेशन लगभग 3 दिनों तक चला था। 26 नवंबर को मुंबई में हुए इस आतंकी में हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे की वजह से बॉलीवुड भी सदमे में आ गया था। फिल्म इंडस्ट्री में इस आतंकी हमले के बाद 26/11 नाम से एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म में मुंबई में आतंकी हमलों के दौरान जो कुछ हुआ उस घटनाक्रम को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई थी। बॉलीवुड हमेशा से आतंकवादी हमलों पर फिल्में बनाता रहा है। दर्शकों ने इस फिल्मों को काफी पसंद भी किया था। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म द अटैक्स ऑफ 26/11 साल 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर मुख्य भूमिका में थे। अब हॉलीवुड में भी मुंबई हमले को लेकर एक फिल्म बनकर तैयार है। हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर एंथोनी मारस ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म में स्लमडॉग मिलियनेयर फेम अभिनेता देव पटेल नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अभिनेता अनुपम खेर भी इस फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। फिल्म 29 मार्च को रिलीज होने जा रही है।